शर्मा, दिल्ली शराब घोटाला मामले से करेंगे क्योंकि इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। यह पहली बार है जब इस मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अप्रैल में उनसे पूछताछ की थी, लगभग 56 सवाल पूछे थे। लेकिन अब ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल आज पेश होंगे और इसी पेशी के मद्देनजर सीएम हाउस से लेकर ईडी दफ्तर तक पुलिस का सख्त पहरा है। पुलिसिया बंदोबस्त जबरदस्त है सीएम हाउस से लेकर ईडी दफ्तर तक। आम आदमी पार्टी ने इस बीच में केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि चुनावों में हार के डर से बीजेपी ने टॉप इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को जेल में डालने की रणनीति तैयार की है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि तय प्लान के मुताबिक पहले गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होगी, फिर इस सूची में हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ऐसे नाम शामिल हैं। कभी बोला था कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। इसी के चलते अगला अरेस्ट वे हेमंत सोरेन साहब का करेंगे। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता, ताकि आरजेडी पूरी तरीके से बैठ जाए और बिहार में चुनाव लड़ने लायक ना रहे। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और आज सुबह 10:30 बजे राजघाट पर बीजेपी के नेता धरने पर बैठने वाले हैं। बीजेपी का आरोप है कि सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल जानते हैं कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो फिर सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में प्लानिंग केजरीवाल की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की है। सारे सबूत ईडी के पास हैं, उनका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि ऐसे में वो सीएम नहीं रहेंगे तो जेल जाएंगे तो क्या होगा, तो अभी ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि उनकी धर्मपत्नी जी को सारे एमएलए कहें कि जिनको सीएम बनाओ, दिल्ली के लोग कह रहे हैं इनको सीएम बनाओ, ताकि अरविंद केजरीवाल जी ये सीएम की जो कुर्सी है वो अपनी धर्मपत्नी को दे सकें। इसके लिए अभी वो एमएलए के अंदर माहौल बना रहे हैं। गठबंधन इंडिया के नेताओं ने केंद्र सरकार पर विपक्ष को कुचलने के लिए जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विधायकों और सांसदों के फोन हैक हो रहे हैं। ममता का कहना है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि तकरीबन सभी विपक्षी दलों और बड़े नेता इस वक्त जांच एजेंसी के सामने, उनको समन मिल चुके हैं और अब नंबर अरविंद केजरीवाल का है। सबको नोटिस भेजा, सबको नहीं ऐसा होता है। ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समन्स नहीं आई है? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है।